बॉलीवुड में हीमैन के नाम से मशहूर और खूबसूरत चेहरा के मालिक धर्म पाजी, सन्नी देओल के पिता धर्मेंद्र बीमार पड़े तो कर दिया अपनी संपत्ति का बंटवारा। धर्म पाजी ने अपनी दोनों पत्नियां और 6 बच्चों के बीच में बांटी अपनी संपत्ति। आखिर धर्म पाजी की संपत्ति में से किसको कितना मिला हक? आखिर सन्नी देओल और बॉबी देओल को सबसे कम संपत्ति क्यों मिली? क्या दोनों पत्नियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी और दोनों बेटे सन्नी और बॉबी देओल इस बंटवारे को लेकर संतुष्ट हैं या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब जानने को मिलेगा इस वीडियो में। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धर्म पाजी इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जी हाँ, धर्म पाजी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद से धर्म पाजी ने सारे बच्चे और दोनों पत्नियों को बुलाकर अपनी करोड़ों की संपत्ति का बंटवारा कर दिया है। आखिर किसको कितनी संपत्ति मिली, आपको बताते हैं। धर्म पाजी काफी दिनों से ज्यादा परेशान थे और उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। जब गदर 2 के डायरेक्टर ने सन्नी देओल की फिल्म गदर 2 की सक्सेस पार्टी रखी थी तो इस पार्टी में भी धर्मेंद्र पाजी को खड़े, उठने और बहुत ज्यादा बैठने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब और ज्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही है। इसके बाद से सन्नी देओल और सन्नी देओल का बड़ा बेटा करण देओल धर्मेंद्र को इलाज के लिए अमेरिका ले गए हैं। 20-25 दिन तक धर्मेंद्र अमेरिका में ही रहेंगे। हर कोई व्यक्ति और उनके फैंस देओल परिवार की उनकी तबीयत को लेकर परेशान है। परेशान होना भी जायज है क्योंकि देओल परिवार दशकों से चर्चा में रहा है, 3 पीढ़ियों से लोगों के दिल पर राज कर रहा है। सबसे पहले फिल्मी दुनिया में कदम रखा सुपरस्टार धर्मेंद्र ने। इसके बाद धर्मेंद्र ने अपने दोनों बेटे सन्नी और बॉबी देओल को लॉन्च किया। लेकिन लॉन्च जरूर उनके पिता धर्मेंद्र ने किया हो, पर दोनों ने अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। 27 वर्ष के धर्मेंद्र समझ चुके हैं कि उनकी तबीयत में सुधार आना थोड़ा मुश्किल होगा। वक्त की नजाकत को देखते हुए सही वक्त पे अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया है। धर्मेंद्र पाजी की कुल संपत्ति 560 करोड़ है। जी आपने सही सुना। और इसके अलावा धर्मेंद्र पाजी के 4 बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, साथ ही खुद का एक फार्म हाउस भी है, 100 एकड़ में फैला आलीशान फार्म हाउस जिसमें राजाओं और महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं धर्म जी। धर्म पाजी ने अपनी पूरी संपत्ति का बंटवारा बड़ी ही समझदारी से किया है। आप सभी जानते हैं धर्म पाजी की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी है प्रकाश कौर, उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां। 2 बेटे सन्नी और बॉबी देओल हैं, 2 बेटियां विजेता और अजेता हैं। धर्म पाजी की दूसरी पत्नी है हेमा मालिनी। हेमा की 2 बेटियां हैं, ईशा और आहाना। कुल मिलाकर दोनों पत्नियों के 6 बच्चे हैं। 500 करोड़ की संपत्ति में से धर्म पाजी ने 200 करोड़ प्रकाश कौर को दिए हैं और 200 करोड़ हेमा मालिनी को दिए हैं। बचे 160 करोड़ में से अपनी 4 बेटियों के नाम कर दिए हैं। इसके अलावा धर्म पाजी का जो आलीशान फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में से भी आधा हिस्सा अपनी पहली पत्नी के नाम, बचा आधा हिस्सा दूसरी पत्नी के नाम कर दिया है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर दोनों बेटों के नाम क्या किया है? आप जानते होंगे धर्म पाजी का एक बहुत बड़ा विजेता प्रोडक्शन हाउस है, जिस प्रोडक्शन हाउस में अब भी बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं। इस प्रोडक्शन हाउस का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा है। ये सारा का सारा प्रोडक्शन हाउस अपने बड़े बेटे सन्नी देओल के नाम कर दिया है। आखिर बॉबी देओल को क्या मिला? धर्म पाजी के बहुत सारे ढाबे हैं, काफी बड़े बड़े शहरों में हैं, जैसे लुधियाना, करनाल, दिल्ली और नोएडा, बहुत जगहों पर ढाबे खोले हुए हैं। इन सभी ढाबों से सालाना कमाई 50 करोड़ की होती है। ये सभी ढाबे दोनों भाइयों में, सन्नी देओल और बॉबी देओल में, बराबर बराबर बट जाएंगे। यानी ढाबों की कमाई हर साल आधी आधी दोनों भाइयों में बट जाएगी। धर्म पाजी ने बहुत ज्यादा सोच समझ कर अच्छे से बंटवारा किया है। धर्म पाजी चाहते हैं मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति की वजह से मेरे बच्चे और परिवार में लड़ाई ना हो, ना पहली पत्नी को ना दूसरी पत्नी को जिंदगी जीने में दिक्कत हो, ना ही कोई दोनों परिवारों को पैसों की कमी हो, ना ही मेरे सभी बच्चों को दिक्कत हो। धर्म पाजी ने अपने दोनों बेटों सन्नी और बॉबी देओल को बहुत ज्यादा संपत्ति देने की कोशिश नहीं की है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि सन्नी देओल और बॉबी देओल एक बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर हैं। उन्होंने भी बॉलीवुड से बहुत ज्यादा पैसा कमाया है और कमा भी रहे हैं। आपको पता होगा सन्नी देओल पहले एक फिल्म करने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए लेते थे। जब से गदर 2 हिट हुई है तब से फीस बढ़ा दी है। वह एक फिल्म करने के लिए 50 करोड़ रुपए लेते हैं, लेकिन ये बहुत मोटी रकम है। गदर 2 के सुपर हिट होने से सन्नी देओल को एड भी मिलने लगे हैं, जो एक एड के 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा बॉबी देओल की बात करते हैं तो बॉबी देओल भी वेब सीरीज और फिल्मों से अच्छा खासा कमा लेते हैं। बॉबी देओल के मुंबई में खुद के 2 रेस्टोरेंट हैं। ये दोनों रेस्टोरेंट महंगे और पॉश इलाके में हैं। मुंबई में खुद के 2 रेस्टोरेंट होना भी बहुत बड़ी बात है। इन दोनों रेस्टोरेंटों से बॉबी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा बॉबी के मुंबई में एक लग्जरी घर भी है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है, जो मुंबई के महंगे और पॉश इलाकों में है। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या धर्मेंद्र पाजी ने ये बंटवारा सही किया या गलत? क्या सन्नी देओल और बॉबी देओल को संपत्ति कम मिली है ज्यादा? यदि आप होते तो बंटवारा कैसे करते? इन तीनों सुपरस्टारों की कौन सी मूवी आपको अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। यदि हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लगती है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।